सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज किस वीडियो में आपको मैं वो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज बताऊंगा। आप थंबनेल देखकर जान गए होंगे कि किस चैप्टर्स के हम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज बताएंगे। आप उसमें एक दो चैप्टर मिस भी हैं जो थोड़े छोटे छोटे हैं और जिसमें उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैंने उन चैप्टर्स को इसलिए मिस किया क्या, क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे MU EEE के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और एक चैप्टर है तो इम्पॉर्टेंट है और मैंने नहीं थंबनेल में लिखा है, वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ या फिर DC सर्किट है, तो उसको मैंने इसलिए नहीं लिखा है। और आज उसके फार्मूला इसलिए भी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि उसके फार्मूला मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप देख लेना मेरे वीडियोज़ में, आपको एक हो जाएगा मिल जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसमें एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सभी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज उस करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक वीडियो में बनाए थे, तो उसका कोई मतलब नहीं था ना फिर से बनाना। बताएंगे तो वही फार्मूला, कोई अलग से तो ले नहीं आएंगे, तो इसी वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। और अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो देख लेना और कोशिश करूँगा मैं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम MU EEE के लिए बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जो जो फिजिक्स से हैं, जो फिजिक्स के बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, तो उनको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो आप भी नोट करते रहना, आज हमको बहुत सारे फार्मूलाज को देखना है, तो बहुत ध्यान से और बहुत ध्यान दिमाग से आपको नोट करना है। सबसे पहले हमने देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलॉम लॉ ये सब पढ़ते हैं, तो उसमें मैं फार्मूलाज बताऊँगा, ठीक है। तो फर्स्ट फार्मूला जो बड़ा ही बेसिक है, क्यू इक्वल टू एनी, ये तो पता ही होना चाहिए। क्यू इक्वल टू एनी, क्यू चार्ज है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। बहुत जल्दी जल्दी बोले तो आप बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो इतना वेस्ट नहीं करना। मैं आपको इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी जब मैं आपको क्वेश्चन की, मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई, उसमें हो सकता है कई लोगों को प्रॉब्लम हुई हो, उन्हें फार्मूला ही नहीं आते हैं, तो मैं आपको फार्मूलाज पहले बता देता हूँ, ठीक है। आज थोड़े चैप्टर्स के बताए हैं, कल थोड़े भी चैप्टर बताएंगे और दो तीन एक दो वीडियो में ये सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर जब आप क्वेश्चंस करोगे ना प्रीवियस ईयर के, तो आप कितने तगड़े, बिल्कुल तुरंत हो जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि सभी फार्मूला ध्यान रहता है। और कम्पिटेटिव एग्जाम में आपके फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं और थोड़ा सा बग घुमाते हैं, और खासकर आपके MU में। तो क्यू इजक्वल टू एनी, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज एनर्जी, चार्ज इलेक्ट्रॉन सभी को पता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब होता है, कूलम्ब कह सकते हैं कूलम्ब। और दूसरा फार्मूला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, KQ/r². यहाँ पर क्यों चार्ज है, आर दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, और के क्या है हमारा, कूलाम्ब कांस्टेंट। सब बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी, कूलाम्ब कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। और के को हम 1/4 πε₀ लिख सकते हैं, के हमारा यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। और ε₀ क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर ε₀ है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगा, परमिटिविटी नहीं लिख रहे हैं समझ जाना। और खाली ε₀ है, ε₀ हालांकि यहाँ पर आप कभी ε₀ नहीं मिलेगा, ε₀ मिलेगा, अगर खाली ε₀ है तो परमिटिविटी हो गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है ε₀ की, इसकी होती है 8.85 × 10⁻¹² कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको आता हो और नहीं आता तो तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फार्मूला आप पढ़ते हो कूलम फोर्स के बारे में, KQ1/Q2/r², यहाँ पर Q1 Q2 दो चार्जेस हैं और r उन्हीं दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, और k वही हमारा कूलम कॉन्स्टेंट है। फिर आप पढ़ते हो लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, ठीक है, लिखेंगे नहीं लीनियर चार्ज डेंसिटी क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। लेमडा इक्वल टू Q/L, इसको हम अगर इसकी डिफिनीशन देखना चाहें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, सॉरी नहीं ये नहीं कहेंगे, द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी, आप ये कह सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी डिफिनीशन है, सेल्फ मेड, और समझना है हमें बस फार्मूला। नेक्स्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब सिग्मा, ठीक है, आप किसी भी तरह सिग्मा बनाओ तो सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, सिग्मा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो इज इक्वल टू Q/P, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू, देख पा रहे हो ना ये सब फार्मूलाज ही हैं, मैं आपको जो जो लिख रहा हूँ वो सब समझना, फार्मूला ही है। टाउ क्या हो गया, PE sin थीटा,
यहाँ पर टॉर्क है, ये इसको टाउ कहते हैं, टॉर्क है। आप जानते हो, आपने एक डेरिवेशन पढ़ा होगा क्लास 12th में, उसका बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आप एक रॉड लेते हो जिसपे फोर्स लगती है किसी डायरेक्शन में, वहाँ पे हम टॉर्क देखते हैं, टॉर्क क्या होता है। हालांकि अब ये टाइम बताने का नहीं है। पी हमारा डायपोल मोमेंट है, पी इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू 2L, ठीक है। थीटा एंगल है, जैसे इसी से डेरिवेशन से आया ही है, तो थीटा है हमारा टॉर्क। कब मैक्सिमम होगा टॉर्क, कब मैक्सिमम होगा, व्हेन थीटा विल बी 90 डिग्री, जब थीटा हमारा 90 डिग्री, तो टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्मेट है इसका लिखने का, ठीक। फिर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल को थर्ड लिख रहे हैं, तो इसका होता है फॉर्मूला KP/R³, ठीक है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन हमारा फार्मूला होता है K2P/R³, सॉरी K लिखते हैं यहाँ पर, K2P/R³। ये हालांकि उतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं आपको नहीं कुछ छोड़ूंगा, जाके आप कुछ फंस जाए तो इंपॉर्टेंट ध्यान ले लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ते हैं फ्लक्स वाले में, तो फ्लक्स वाले में फर्स्ट फार्मूला तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था, फाई ई लिखो चाहे फाई लिखो फर्क नहीं पड़ता, बट फाई ई लिखो क्योंकि बेटर रहेगा, क्योंकि जब आप मैग्नेटिज्म में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो इसीलिए डिफरेंस के लिए फाई ई लिख देते हैं। फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। इन्फाइनाइट वायर के लिए, इन्फाइनाइट वायर वाला अगर कुछ बच्चों को ध्यान होगा तो पता होगा ना, अपनी बुक खोल के देख लेना। इन्फाइनाइट वायर के लिए आप ऐसे वायर लेते थे, उसके अराउंड में एक सिलेंडरिकल सरफेस बनता था, जिसपे आपको गॉसियन सरफेस कह सकते थे, फिर वहाँ से आप निकालते थे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती थी इक्वल टू λ/2π/0R, ठीक है। आर डिस्टेंस है, 2π/0 कांस्टेंट है, लैम्डा वही हमारी लीनियर चांस डेंसिटी, दिख रहा है, सुनाई पड़ रही है आवाज़, हाँ। फिर आप एक सीट ले लेते थे प्लेन, सीट के लिए तो थोड़ा शॉर्ट लिख रहे हैं, समझ आना, सीट के लिए इन्फिनाइट वायर के लिए, सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती थी आपको σ/2ε₀। फिर आप थर्ड लेते थे स्फेयर के लिए, तो स्फेयर के लिए आउटसाइड ऑफ स्फीयर, स्फीयर जो हम लेते थे उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो क्या कितनी होती थी, σ/ε₀R²/R², ये इतनी डायरेक्शन छोटा आर, ये इतनी डायरेक्शन बड़ा आर, समझ रहे हो सब। इनसाइड के लिए क्या होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड के लिए 0 होती थी, और सरफेस पर क्या होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सरफेस पर क्या होती थी, E=, क्या होती थी, σ/ε₀, E=σ/ε₀, ये हमारी सरफेस पर होती थी वैल्यू ई की। तो ये इतने फार्मूला तैयार हो गए, पलटें देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तैयार कर लेना। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो फिर आप कौन से फार्मूलाज पढ़ोगे, आप फिर आते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में, तो इसमें पढ़ते हो V=W/Q, ये वर्क डन है, ये पोटेंशियल है, ठीक, क्यों, चार्ज है भाई, और पोटेंशियल का फार्मूला हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला KQ/R, ये हमारी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ये भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी एक मार्क मतलब आपके एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, ये कैसी क्वांटिटी, वेक्टर की स्केलर, तो ये भी सब ध्यान लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी डायरेक्शन होती है वो वेक्टर होती है, जिसकी नहीं डायरेक्शन होती वो स्केलर होती है। W=PE, यहाँ पे वर्क डन, एक सेकेंड, ये वर्क डन का फार्मूला आया जब हम एक डायपोल पे को मूव कराते हैं, तो उसमें वर्क कितना हो रहा है, θ1 और θ2 एंगल है जो दोनों तरफ से बन रहा है। फिर आप चलते हो कैपेसिटेंस चैप्टर में, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला Q=CV, क्यू चार्ज, सी कैपेसिटेंस, पता होगा छोटी बातें हैं, वी वो पोटेंशियल वोल्टेज। अगर आप स्फेयर की बात करते हो, उसमें कहते हो कि कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालो, तो 4π/0R। अब मैं जो यहाँ पर यानी कि कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में जो भी के लिखूँगा कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू, उसका मतलब यहाँ पर कूलाम कांस्टेंट से बिल्कुल नहीं, एक बात बता दे रहा हूँ, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखते थे उसमें के क्या था, कूलाम कांस्टेंट, अभी बताया था, लेकिन इसमें हम के लिखेंगे तो वो हमारा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डायलेक्ट्रिक क्या होता है, डायलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जो हम दो प्लेट्स के बीच में रखते हैं या पुट करते हैं, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे डायलेक्ट्रिक होगा सरफेस स्फीयर में, तो हम के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये भी फार्मूला बन जाएगा। तो दो फार्मूला मिल गए आपको। फिर आप कैपेसिटेंस का बड़ा ही पर एकदम फेमस फार्मूला सी इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, कि क्या है यहाँ पर डायलेक्ट्रिक, लिख देते हैं डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। अगर हमारा डायलेक्ट्रिक किसी भी क्वेश्चन में आपके कैपेसिटेंस की निकालने के लिए आ गया, या भी डी डी हमारी क्या है, बार हाँ ये भी बता देते हैं, डी क्या है, दो प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया डिस्टेंस हो गई। ये बात आपको ये भी बता दे रहे हैं, अगर डायलेक्ट्रिक क्वेश्चन आपके नहीं दिया हुआ है तो नहीं लिखना है, ठीक है, अगर दिया हुआ है तो लिख देना, अगर नहीं दिया होगा तो हम आप ये भी लिख सकते हैं सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये भी फार्मूला हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो इसका डेरिवेशन है, पर आपको कम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें तो आपको फार्मूला चाहिए, तो फार्मूला मैं आपको इसीलिए लिखवा रहा हूँ के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से निकाल सकते हो, क्यू सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब बात आती है इंटरनल एनर्जी की, इंटरनल एनर्जी की, किसकी इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी होती है यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक, सी वही है कैपेसिटेंस, यू इंटरनल एनर्जी होगी, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल सब दिख रहा है, एक सेकेंड, हाँ तो कॉमन पोटेंशियल होता है क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, कभी कभी इससे आ जाता है वरना ज़्यादा नहीं आता, लेकिन तभी भी देख लेना एक बार उसको भी। अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, आप कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया उसमें पूछा कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, चार्ज ट्रांसफर, तो अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर डेल्टा क्यू से डिनोट किया जाएगा, और इसको हम कह सकते हैं सी वन सी टू वी वन माइनस वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। ठीक, इस तरह अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है अमाउंट कितना चार्ज ट्रांसफर किया गया, तो आप इससे फॉर्म निकाल सकते हो। फिर अब आती है लॉस ऑफ एनर्जी, अभी बता रहे हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन, लिख दे रहे हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज सी वन सी टू अपॉन टू सी वन प्लस सी टू और वी वन माइनस वी टू, ये वी वन माइनस वी टू, थोड़ा जल्दी लिख रहे हैं तो राइटिंग में थोड़ा सा कभी कभी इधर उधर थोड़ा हिल विल रहा है तो समझ जाना क्यों लिखा। सुनो, हमने चार्ज को ट्रांसफ़र किया तो ये अलग फार्मूला, अब इस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में आप डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बांटने में, बांटने में, तो बांटने में कितनी एनर्जी लॉस हुई, कितनी एनर्जी खर्चा हुआ कह सकते हो, तो ये फार्मूला हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला आपका एनर्जी डेंसिटी का, तो ये वैसे आता नहीं इसको इस फार्मूला के क्वेश्चन, लेकिन बता दे रहे हैं एनर्जी डेंसिटी को छोटा यू से डिनोट कर लो चाहे, जैसे के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, सबकी मतलब वही है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब चलो मैग्नेटिज्म में घुसते हैं। मैंने आपको क्या बताया, इसमें कुछ चैप्टर्स रहे हैं, कौन सा रहा है, जैसे कि आप कह सकते हो जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मैंने उन्हीं चैप्टर को लिया जिसमें से आता है आपके एमयू में, और उन चैप्टर्स को नहीं लिया जिसमें नहीं आता है, और एक चैप्टर का आता है लेकिन मैंने इसमें इस वीडियो में नहीं लिया है, वो है हमारा करंट रिजल्ट, तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है क्योंकि उसके मैं पहले बता चुका हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड में सबसे बड़ा फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की वैल्यू होती है 10^-7 टेस्ला मीटर स्क्वायर, वो एम्पियर स्क्वायर, समझ रहे हो फार्मूला उसका मतलब। और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, और भी होती है वेबर पर मीटर, कुछ भी हो मतलब वेबर होती है, टेस्ला होती है, गॉस भी होती है। ठीक है, तो ये हो गई वैल्यू। अगर आपको अब मैं आपको आप हो सकता मतलब कुछ लोगों को दिक्कत हो सकता है, कुछ लोगों को ना हो ना, एक मैं आपको चीज़ बताने दे रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड के लिए। सर्किल के लिए क्या होता है फार्मूला, सभी को पता है बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन क्यू आर। अब मैं बताऊंगा, अगर किसी कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कहें तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ एनी कॉइल, देखा होगा एक ऐसे ऐसे बनता है था जिसमें ये डिस्टेंस आर, ये समझ रहे हो ना, और करंट ऐसे फ्लो, तो उसके लिए हम क्या निकालते थे, बी की वैल्यू होती थी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब मैं आपको वायर के लिए बता दूँ, सबसे कन्फ्यूज़न वायर में होता है सभी लोगों को, मुझे भी होता था। तो वायर में जैसे अगर आपको कभी भी सीधा सीधा वायर मिल जाए,
अगर एकदम सीधा वायर मिल जाए, मतलब कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए ठीक है, और उसमें एकदम स्ट्रेट वायर की बात हो रही है, मतलब कहीं से बेंड नहीं है ठीक है, तो आप उसमें मतलब एक कह सकते हैं, आप कहोगे क्या बता रहे हो, पर बिल्कुल सही बता रहे हैं, उसका रीजन है। लेकिन मैं आपको देखो, आप क्या देने जा रहे हो एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट तो सीखना है, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, पर मैं आपको, चलो आपको कॉन्सेप्ट भी बता देते हैं। देखो क्यों मैं यहाँ आपको, एक मिनट, मैंने क्यों बताया कि एकदम सीधा सीधा वायर हो, सीधा का मतलब यहाँ पर इसलिए मैंने सीधा कहा क्योंकि यहाँ से एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, तो इस वजह से वो कैंसिल आउट करके आप आपका ये वाला फार्मूला बन जाएगा 2 पाई आर। आई बात समझ में? और अगर आपका वायर कहीं से बेंट हो, जैसे कि मान लो ई, तो ये तो वायर ही है मान लो, इसका इससे वो मतलब नहीं, इतना मतलब बेंट है, तो आप हमेशा इस जो बेंट वाले वायर होते हैं उसमें हमेशा 4 पाई आर कर देना। इसका रीज़न है, मैं आप कहोगे कि कैसे बता रहे हो, इस वजह से ऐसे बता रहे हो कि आपको समझना है, समझना अपनी एकदम देसी भाषा में है ठीक है, समझने के लिए हमें कोई एकदम इजी लैंग्वेज में समझना है ठीक है, तो मैं आपको इसीलिए इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ना इसका कॉन्सेप्ट है, यहाँ से एंगल 90 90 बन रहा है, इस वजह से यहाँ से 90, यहाँ से 90, तो यहाँ पर 90 प्लस 90, तो ये 2 2, यहाँ इसीलिए 2 पाई आर हो जाता है, समझ पाए? इस वजह से तो मतलब तो यार वही है, चाहे जैसे समझना चाहो तो या वैसे समझो, एकदम इजी भाषा में समझना है तो जैसे मैंने बताया सीधा सीधा है तो इस तरह 2 पाई आर, और हल्का सा बेंट है तो 4 पाई आर लगा सकते हो, वरना अगर कॉन्सेप्ट सीखना तो बता दिया जैसे कि एंगल 90 90 है तो कट के 2 पाई आर हो जाएगा, और इसमें 1 90 है, 1 नहीं है, तो इसीलिए 4 पाई आर रहेगा, समझ पाए? इसमें बहुत टाइम चला गया। अब एम्पियर सर्किट ला पढ़ते हो, डेल्टा बी इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, एक एक चीज़ बताएंगे क्या क्या है, ये क्या है क्लोज इंटर इंटीग्रेशन, हो सकता कुछ लोगों को पता हो सकता कुछ लोगों को ना पता हो, जब आप देखते हो अपने एग्जाम अपने बुक में देखते हो, कहते हो सोचते हो कुछ लोग कि सर्किट जो बना देते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, इसका मतलब हो गया, और बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये किस में मैग्नेटिक फील्ड है, सोलेनाइड में, सोलेनाइड की मैग्नेटिक फील्ड, और आउटसाइड ऑफ द सोलेनाइड क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, जीरो। कभी कभी आपके एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन सोलेनाइड का, उसमें पूछता है बाहर कितनी है मैग्नेटिक फील्ड, आप निकालने बैठ जाते हो, गलत हो जाएगा, जीरो होती है, और उसकी एट एंड ऑफ सोलेनाइड पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, बस इसकी आधी, म्यू नॉट एन आई बाई टू की। आप फोर्स पढ़ते हो, फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, जब चार्ज पार्टिकल वी वेलोसिटी से घूम रहा है उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल बनाते हुए घूम रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल घुस गया किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें फोर्स कितनी लग रही है। आई बी एल साइन थीटा कब लगती है, जब कोई हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में चला जाए तो उसमें फोर्स आई बी एल साइन थीटा। रेडियस का फॉर्मूला आर इज्कल टू एम बी बाई क्यू बी, इसके कई फार्मूला हो जाते हैं, आर इज्कल टू रूट टू एम के बाई क्यू बी, काइनेटिक एनर्जी के मैक्सिमम लिख लेते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, एक ये भी फार्मूला होता है। टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होता है, टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई m बाई क्यू बी भी होता है ठीक। ई इक्वल टू बी वी, यहाँ पर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन पूछ ले तो आप इसको बता सकते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वी वेलोसिटी है ठीक। अब दो चार्ज, दो वायर हैं, उसमें पर यूनिट लेंथ उसमें फोर्स कितनी है, 2 म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L, फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर पूछे तो इस L को इधर ले आना, बस बात खत्म हो जाएगा। फिर क्या पूछते हो, इंड्यूस्ड EMF इक्वल टू d∅B by dt, फाइव बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसकी वैल्यू होती है BdA cos थीटा। आई बात समझ में? एम इक्वल टू आई ए, एम क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, पी इक्वल टू क्यू इंटू टेल है 2L, क्या पढ़ा था वहाँ पे, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, और यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट, एम इक्वल टू आई इंटू 2L भी होता है जो इससे मिलता जुलता है ठीक है। ई इक्वल टू d∅B बड़े हो गए, 5 इक्वल टू BdA का, वी इक्वल टू VBL साइन थीटा, ये बड़ा होगा जब हम उसमें रिवॉल्व कराते हैं, तो ये हमारी हो गई ठीक है, और हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, जब हम एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऐसे घुमाते हैं, मतलब एक कंडक्टर को, समझ, तुम फार्मूला देखो बस,
बी ओमेगा एल स्क्वायर, सॉरी बी ओमेगा एल स्क्वायर और कौन सा बचा, सेल्फ इंडक्टेंस का, तो एल इक्वल टू ई अपॉन डी आई बाई डी टी। मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस का बचा एम इक्वल टू ई टू अपॉन डी आई टू बाई डी टी। इसमें ये ध्यान रखना आई टू ई टू, ये समझ लेना, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है। आपसे सेल्फ इंडक्टेंस दिया हो, करंट दिया हो और पूछ लिया एनर्जी, तो हाफ एल आई स्क्वायर। इसी के साथ आज बस इतना ही, जितने फार्मूला थे मैंने बहुत सारे फार्मूला बता दिए और जितना भी बताना था बता दिया। और हाँ, पिछले वीडियो में मैंने एक चीज़ में थोड़ी सी ध्यान नहीं दिया था, उसमें जो अल्फ़ा पार्टिकल्स का मास होता है वो 4 टाइम्स होता है, एक भाई ने बताया था, कमेंट भी किया था, तो उनको थैंक यू जिन्होंने बताया, एक बहुत अच्छा करेक्शन करने के उन्होंने बताया, थैंक यू उसके लिए, बता दिया ठीक है। तो उसमें 4 टाइम्स मास होता है, अल्फ़ा पार्टिकल होता है, 4 अल्फ़ा पार्टिकल का मास 4 टाइम मास अपटू 10। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यहाँ पर आपको MVEEE की फुल प्रिपरेशन होगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे और फिर उसके बाद फॉर्मूला लाएंगे। तो चलिए वीडियो यहीं पर एंड करते, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।